हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। सो गाइस, आज की वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 10th NIS वाले बच्चे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी विदाउट बुक्स एंड विदाउट जो है एनी कोचिंग सेंटर किस तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है जो बच्चों को थोड़ा सा पढ़कर समझ में आता है, उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सो गाइस, लर्न इंग्लिश जो चैनल है, आज इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है और अपने चैनल के थ्रू हम जो है बेड़ा उठा रहे हैं, हम जो है कोशिश करेंगे एक तरीके से कि आपको इंग्लिश को सिखाया जा सके। दैट्स व्हाई हम जो है लर्न इंग्लिश की आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो गाइस, ये हमारे चैनल की होगी पहली वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, मेरे लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर जो है मैंने हाउ टू प्रिपेयर 10th NIS इंग्लिश, जिसका कोड आप लोग देख सकते हैं 202 है, तो उसकी सेल्फ स्टडी के थ्रू, खुद की पढ़ाई के थ्रू आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं घर बैठे। बिकॉज आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से आपके स्कूल्स कॉलेजेस अभी पूरी तरीके से खुले नहीं हैं, आपकी अभी अनलॉक की जो है स्टार्टिंग हो गई है, अनलॉक चल रहा है, बट अभी भी सेफ नहीं है सब कुछ के हाँ आप स्कूल ही जाकर जो है अपनी क्लासेस को अटेंड कर पाएं। और अगर हम बात करें 10th वाले NIS वाले बच्चों की स्पेशली, चाहे आप 10th से बिलोंग करते हो या फिर 12th से, तो उनका तो वैसे भी संडे वाली क्लासेस लगती है नॉर्मली, तो आपके लिए तो अभी स्कूल थोड़ा सा दूरी है मतलब, तो आपको तो बेसिकली आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, खुद की तैयारी ही आपको करनी पड़ती है। तो हम जानेंगे कि भी आप कम टाइम में घर बैठे विदाउट एनी कोचिंग एंड विदाउट योर सिलेबस अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में मैं आपको यह भी बताने वाली हूं कि अगर अभी तक आपको बुक्स नहीं मिली हैं, चाहे इंग्लिश हो या फिर अदर सब्जेक्ट्स हो आपके, तो आप उन बुक्स को जो है किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको बुक्स मिलेंगी और कैसे आप अपने एग्जाम को स्मूथली जो है क्रैक कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं भाई कि आपको आखिर प्रिपेयर करना क्या है। भाई आपको अगर ये पता ही नहीं होगा कि इतने सारे सिलेबस में थे, इतनी सारी मोटी मोटी आपकी बुक्स होती हैं, आपको प्रिपेयर क्या करना है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। तो यहां पर मैंने बेसिकली वो सारी चीजें लिख दी हैं भाई जो आपके सिलेबस से बिलोंग करती हैं, जो आपको एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश की बात करें 10th NIS वाले बच्चों का, तो आपका पेपर होता है 4 सेक्शंस में डिवाइड, सेक्शन ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ए की बात करें तो आपका होता है सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन नाम होता है इसका, जो टोटल आपका गाइस कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। टोटल आपका 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें आपको केवल दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गाइस, वो होते हैं आपके दो अनसीन पैसेजेस। तो आपको अनसीन पैसेज में करने पड़ते हैं और उनके बेसिस पर आपसे कुछ एमसीक्यूज या फिर आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग का आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी का नाम देखिए गाइस, यहाँ पर क्या होता है, राइटिंग सेक्शन होता है जो आपका टोटल आता है 25 नंबर का, 25 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन है और उसमें से आपको केवल चार ही क्वेश्चन करने हैं, चाहे आपने जो है अक्टूबर में एडमिशन ले रखा हो या फिर आपको जो है अप्रैल में पेपर देने हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भाई हमने जो अक्टूबर में पेपर दिया है या फिर हमने जो है अप्रैल में एडमिशन ले रखा है, सो ये कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है। सिलेबस दोनों ही बच्चों का सेम है, चैप्टर्स दोनों ही बच्चों के सेम होते हैं और आपका पेपर का पैटर्न भी एक जैसा ही होता है, कुछ भी अलग नहीं है, चाहे आपने अक्टूबर में एडमिशन ले रखा हो या फिर अप्रैल में, ठीक है। तो दोनों ही बच्चों के लिए वीडियो ये इक्वल इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हमेशा जो है कंफ्यूज इसी तरीके से रहते हैं कि जी हमारा तो सिलेबस अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई अब CBSE ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, आपको पता है, तो NIS वाले बच्चों के भी कहीं ना कहीं यही डाउट्स रहते हैं कि शायद हमारा भी सिलेबस रिड्यूस हो गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसी उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते हैं, बट बिलीव मी गाइज 100% आई कैन श्योर कि आपका सिलेबस बिल्कुल भी ना चेंज हुआ है, ना रिड्यूस हुआ है, कोई खत्म नहीं किया है सिलेबस, ना कम किया है, ना उसको चेंज किया है। तो आप जैसा NIS का सिलेबस पहले से चला रहा था इंग्लिश का, सेम वैसा ही है, ठीक है। तो इसमें तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। तो देखिए सेक्शन बी जो होता है ना गाइज आपका, वो होता है आपका टोटल 25 नंबर का, तो इसमें आपको केवल चार क्वेश्चन करने को मिलते हैं। पहला होता है मैसेज, आपका मैसेज राइटिंग छोटा सा क्वेश्चन होता है, रिपोर्ट बनाने को आती है, ठीक है, उसके बाद लेटर आता है एंड देन आपकी सिचुएशन करने को आती है। तो ये फोर क्वेश्चन आपको जो है केवल सेक्शन बी के अंदर देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हमें बुक्स वगैरह के बारे में गाइस थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका फिर होता है सेक्शन सी स्टार्ट। अब सेक्शन सी क्या होता है गाइस आपका, वो होता है आपका टोटली ग्रामर का सेक्शन। तो ग्रामर के सेक्शन में आपको यहाँ पर कुछ ये चुनिंदा पॉइंट्स ही करने को आते हैं। मान लो ग्रामर का आपका सेक्शन आ गया है पेपर के अंदर, तो सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट पैराग्राफ टू रीराइट। एक छोटा सा पैराग्राफ देंगे, उसको आपको गाइस क्या करना है, फिर से लिखना है। रीराइट का मतलब फिर से लिखना है उसको,
एक उसका भी एक पैटर्न होता है लिखने का। दूसरा गाइज आपका क्वेश्चन होता है कंबाइंड द पेयर्स ऑफ सेंटेंस, कुछ जोड़ा दे देंगे सेंटेंस का, उसको आपको क्या करना है गाइज, कंबाइंड करना है, जोड़ना है आपस में। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है ना, वो होता है प्रीपोजिशंस का, मतलब उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में हर क्वेश्चन के चार ऑप्शन देंगे, तो आपको वो प्रीपोजिशंस को उठाकर वहां पर ऑप्शन में फिट करनी है। देन आपके कुछ डायलॉग्स आते हैं, डायलॉग्स के क्वेश्चन आपके दो या तीन इतने तक भी आ सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ये सेक्शन सी के अंदर लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका करेक्ट वर्ब की फॉर्म। सो कुछ इस तरह से गाइज आपका यहाँ से यहाँ तक जो है ये ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। तो ग्रामर का पोर्शन आपका कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आगे बढ़ लेते हैं गाइज, आगे जो आपका अगला सेक्शन है दैट इज योर लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। तो लिटरेचर सेक्शन गाइज आप लोगों का पोएट्री से स्टार्ट होता है, पोएट्री के जो स्टैंजास होते हैं वहां से आप लिटरेचर का सेक्शन स्टार्ट करते हो। और अगला जो आपका क्वेश्चन होता है वो होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब आपके जो बुक है, आपका जो सिलेबस है, उसमें आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दे देंगे, वो करने हैं। देन आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद शॉर्ट पैराग्राफ यानी बुक के सिलेबस से, चैप्टर से आपको कुछ छोटे छोटे से पैराग्राफ्स दे देंगे और उनमें से आपको कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं जो चैप्टर बेस्ड होते हैं, ठीक है। चैप्टरों में से कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स की लाइन दे दी, वो आपको फिल करनी होती है। एंड देन आपके लास्ट में एमसीक्यूज चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गाइस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई बुक्स हमारी जो है बुक के अंदर इतने सारे चैप्टर हैं, उनको हम कैसे कवर अप करें। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा गाइस जो सेक्शन सी होता है ना, वो केवल और केवल 30 नंबर का होता है, ठीक है। 30 मार्क्स का ये आपका होता है। और आपका जो सेक्शन डी है यानी लिटरेचर, जिसको आप जो है बुक्स वाला पोर्शन भी बोलते हो, वो भी आपका केवल केवल 30 मार्क्स का होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल चैप्टर्स पर ही डिपेंड रहना है, सारे आपको चैप्टर नहीं पढ़ने। आप अगर देखें सिलेबस पर नज़र मारें फिर से, तो 15 नंबर का रीडिंग है आपका, रीडिंग आपकी स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए। देन 25 मार्क्स का आपका राइटिंग है, उसके बाद 30 मार्क्स की आपकी ग्रामर है, तो टोटल 70 मार्क्स का तो आपका जो है रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर ही बैठ गया है। तो केवल और केवल 30 मार्क्स ही आपका बुक्स का पोर्शन होता है, जो जिसके लिए आपको चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, अपना पोएट्री वाला पोर्शन पढ़ना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि भाई पेपर आपको देना आखिर किस तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि भाई अभी बुक्स तो आई नहीं है, बहुत सारे बच्चों की बुक्स नहीं आई हैं, और हो सकता है जून बच्चों ने अप्रैल में एडमिशन ले रखा हो, उनको तो उनकी बुक्स तो आ भी ना पाए। तो प्रिपेयर किस तरीके से करें। अक्टूबर वालों के तो जस्ट एग्जाम आने ही कोई हैं, जस्ट पिछले महीने जो है उनके एग्जाम टल गए थे, उनके अभी एग्जाम फीस भी सबमिट नहीं हो पाई है। तो अब बिना बुक्स के और बिना जो है कहीं जाए, आप घर पे बैठ के किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, वही हम वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे आगे। सो गाइज आपको पता है, देखिए आपकी जो बुक्स हैं उसमें आपके टोटल कितने चैप्टर हैं गाइज, यहाँ पर आपके 27 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उन 27 चैप्टर्स के अंदर से आपको केवल और केवल 20 चैप्टर देखने को मिलते हैं, और उसमें से जिसमें से आपकी 7 पोएम्स होती है, 20 चैप्टर एंड 7 पोएम्स, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो अब ये जो बुक्स हैं ये तो आपके पास है नहीं, तो इनको प्रिपेयर कैसे करें। तो उसके लिए विदाउट बुक्स के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं आपको क्या करूँगी, मैं आपको लिंक दे दूँगी बुक्स का, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपकी बुक्स हैं, मतलब आपको हार्ड कॉपी तो नहीं मिलेगी उनकी, जस्ट जो है मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वहाँ पर पूरी की पूरी बुक मिल जाएंगी अपनी इस तरीके से। और इसके अलावा गाइज आपको जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप उनसे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। बुक्स आपको पता है, बुक्स से आप अपने चैप्टर वगैरह क्लियर कर सकते हैं। बट द सेकंड थिंग इज दैट कि भाई हम जो है प्रिपरेशन को और बेहतर कैसे करें। भाई बुक्स इतनी मोटी मोटी होती हैं और लैंग्वेज भी उसमें काफ़ी हार्ड होती है, तो उनको हम पढ़ेंगे कैसे, सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे उनकी। सो गाइज उसके लिए आपको देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको देखना है कि किस तरीके से आपके पेपर आ रहे हैं। पहले आप सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, क्योंकि आपका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर वाला पोर्शन है, तो पहले आप उनको प्रिपेयर करिए, क्योंकि बुक्स में तो केवल आपको चैप्टर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेक्शन ए, बी और सी के लिए अपने ये जो पॉइंट्स हैं कि भाई आपको पहले तो रीडिंग की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी आए, मतलब पैराग्राफ वगैरह सॉल्व करने आए, देन आपको जो है राइटिंग जो आपका 25 नंबर का है ये, उसमें आपको लेटर लिखने आए, सिचुएशन बनानी आए, रिपोर्ट करनी आ जानी चाहिए और मैसेज वगैरह। तो इन सब के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आने वाली वीडियोस के थ्रू जो है मैं आपको सारी चीज़ों के फॉर्मेट बताऊंगी, सॉल्व करना सिखाऊंगी और आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप होमवर्क के तौर पर उनको कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और दूसरी चीज़ है कि भाई आपको जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देने वाली हूँ, आप ज़्यादा नहीं दो या तीन जो है अपने क्वेश्चन पेपर, कम से कम एक पेपर को दो से तीन बार आप उसको सॉल्व करके देखिए,
बिलीव मी 100% इट वर्क्स, बहुत अच्छा आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप जो है क्या करिए, टाइम सेट करिए अपना, क्योंकि आपका पेपर 2:30 बजे से स्टार्ट होता है नॉर्मली, तो आप अपने वॉच में टाइम सेट करके देखिए कि हाँ आप कितनी देर में अपना कितना पोर्शन कर पाते हैं। तो आप जब टाइम सेट करके बैठेंगे और उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो पहले आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, दोबारा फिर उसी पेपर को सॉल्व करके देखेंगे तो उस पेपर में मिस्टेक्स भी कम निकलेंगी और आपका टाइम पीरियड भी वो कम हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करके देखें, क्योंकि घूम फिर के वही आती हैं चीज़ें, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ निराली चीज़ आपको मिलेगी, चैप्टर वही है, पैटर्न वही होता है। तो आप प्रीवियस ईयर को जो है बार बार सॉल्व करके देखिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चैप्टर हम अगली वीडियोस के थ्रू स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक करके हम 10th के भी 12th के भी सारे इंग्लिश के चैप्टर्स में आपको जो है करवाने वाली हूँ। पहले लाइन बाय लाइन उनको एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में, ताकि आपको हिंदी स्टोरी पता हो, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर के आऊँगी, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आज हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई किस तरीके से हम जो है हाउ टू प्रिपेयर 10th अनाउंस इंग्लिश, जिसका कोर्स 2 से 2 है, विद सेल्फ स्टडी, विदाउट बुक्स एंड विदाउट एनी कोचिंग सेंटर, घर बैठ के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो गाइज, ये हमारी जो है चैनल की फर्स्ट वीडियो है, आई होप आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपका जो है सपोर्ट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपका मैटर करता है भाई, हार्डवर्क करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड बहुत सारी स्कूल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चैप्टर्स के साथ मैं आपको मिलूंगी। सो बी अ टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश।